है वो जॉइंट दरख्त, ये है वो खूबसूरत दरख्त जी, जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी, यहाँ खुशी है, ये हमें गाइड करेंगे अबाउट, ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम बताएंगे। और आप मस्जिद देखें, इसका आप आर्किटेक्ट देखें, मतलब मेस्मराइजिंग है, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आज थर्ड डे है हमारे टूर का, मैं इस वक्त गुस्सा में हूँ, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। और जो आज का दिन है, थोड़ा इस वीडियो के बारे में बताज हूँ, आज इस एपिसोड में हमने जो कल भी हम बुरसा, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, बुरसा विजिट प्रॉपरली नहीं किया था, हमने सिर्फ उस्मान गाजी और गाजी का जो मज़ार है वहाँ गए थे। आज हमने जो ग्रीन बुरसा टूर कहलाता है ये बेसिकली ना, तो वहाँ वो करेंगे। इसमें जो मेन आज हाईलाइट है ना हमारे टूर की, जिसमें मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, जो ऑटोमन ट्री है, जो आपने ड्रामा में भी देखा होगा अर्तुगरल ने लगाया था, तो वो 600 साल पुराना दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है वो, आप उधर जाएंगे वो देखेंगे। उसके अलावा उल्दुक, इस तरह का पूछे तो इनके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो वो माउंटेन है उल्दुक, वो टॉप पे माउंटेन है, वहाँ केबल कार भी है, उसकी राइड करेंगे। एक यहाँ ग्रैंड मॉस्क है, वो ऑटोमन अम्पायर जब बनी थी, उस्मान गाजी ने बनाई थी, तो मतलब और गाजी और उस्मान गाजी ने, तो उसमें जो पहली उनकी मस्जिद थी ना, वो ग्रैंड मॉस्क, तो वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह मतलब लोकल जो आज बुरसा का हम टूर है ना, ओवरऑल वो करेंगे जी। तो बस ये चीज़ें आज हमने बेसिकली देखनी है, और आज शाम को ही हमने इस्तंबुल चले जाना है, फिर 4 दिन मास्टे है, तो बस बसेस हमारी रेडी हैं, तो अब नीचे चलते हैं, ज़रा पैकिंग भी कर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं, फिर आपसे आगे रास्ते भी देखते हैं। थैंक यू जी व्यूअर्स। तो हम उलुजाग माउंटेन पर आ गए, तो यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क भी है, और यहीं सब चीज़ें हैं, ग्रैंड मॉस्क है, ट्री थोड़ा यहाँ से दूर है, जो हमने वो ऑटोमन ट्री है, जो फर्स्ट ऑटोमन ट्री, तो वो बाद में देखेंगे। अभी मैं आ चुका हूँ ये केबल कार वाली जगह पे, ये केबल कार का ऑफिस है, और ये ऑल द वे वो ऊपर जा रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो जी, जो हमने ऊपर जाना है इस केबल कार के ज़रिए, ठीक है जी। तो अब क्यू में लगते हैं, टिकट्स लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। चले जी, अब आप व्यूज देखें। तो जी, आप अगर बुरसा में आए तो ये दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, जहाँ इस केबल कार की राइड आप मस्ट लें। इधर ही आप साथ ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ भी आ सकते हैं, जो वो भी मस्ट विजिट प्लेस है। और कल हम गए थे उस्मान गाजी और गाजी के मज़ार पे, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, वो उधर भी आप जरूर जाएं। खैर, तो अभी आप ये देखें और व्यूज देखें, बहुत ही खूबसूरत। हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए, और नीचे जहाँ से हमारी केबल कार स्टार्ट हुई थी ना, हाइट मैंने अपनी वॉच पे देखी थी तकरीबन 1500 फीट आ रही थी, और इस वक्त हम 4500 फीट पे आ गए, मतलब 3000 फीट की हाइट हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये होती है जी, हमारे पाकिस्तान में आपने देखी है पत्रियाटा यूबिया की और मरी की, वो छोटी सी है ना, कोई खास हाइट है। ये देखिए, अभी तक मैं यहाँ 3000-3500 फीट आ गया, और अब असल इंक्लाइन जो अब स्टार्ट हो रहा है, ये आप देखें, और अभी इसके बाद फिर पता नहीं कितना होगा। फाइनली जी, दिस इज द टॉप ऑफ उल्दक माउंटेन, यहाँ केबल कार से हम आए हैं, और अच्छा मौसम है यहाँ, तो नीचे से भी कम टेम्परेचर है, इवन के सूरज निकला हुआ है जी, खूबसूरत व्यूज हैं, ग्रीनरी है, आप देख रहे हैं। वकर भाई, हाउ डू यू फील हियर? जबरदस्त यार, कमाल, मजा आ रहा है। ठीक है, चेयरलिफ्ट का आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? बहुत मजा आया, जब तक हम जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, सबसे ज्यादा मजा आ रहा है।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, ये आप ट्रेलर था आप समझिए। ओके, यहाँ हम आए हैं जी केबल कार पे, ये सारा शॉपिंग सेंटर टाइप और कैफेटेरिया है, और ये आप व्यूज देखें। अभी ये और भी ऊपर जा रही है, यहाँ पे वो जो स्केटिंग होती है स्नो में वो भी होती है सर्दियों में यहाँ, तो वो मेरे ख्याल में और मज़ीद ऊपर जाते हैं। हम यहाँ तक ही आए हैं, यहीं हमारा स्टॉप था। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ अब आ गया हूँ, यहाँ से हम अब नीचे जाएंगे, थोड़ा मैं घूम फिर लूँ, फिर नीचे जाएंगे। हमने ग्रैंड मॉस्क जाना है, वहाँ जुमा है, तो जुमा नमाज़ भी इंशाल्लाह वहाँ पढ़ते हैं, उसकी डिटेल भी फिर मैं आपको बताता हूँ। डबल ट्री भी देखना है, फिर लंच करते हैं और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। मैं ज़रा आप इन्जॉय कर लूँ, पिक्चर्स ले लूँ, तो आप जब तक वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखानी है। ये तो अभी वीडियो समझ लें आप, शुरू हुई है। थैंक यू। जी व्यूअर्स, तो मैं ग्रैंड मॉस्क आ चुका हूँ, तो पहले यहाँ हम जुमा भी पढ़ेंगे। या मैं जो लेफ्ट मुड़ूंगा तो आपको ये नज़र आएंगे, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट। वहाँ वुजू की जगह है, वाशरूम में वहाँ वुजू और वाशरूम बोलूँ। ये जी आप देख रहे हैं, ये वाशरूम आप देख रहे हैं, हमेशा मस्जिद से अलग होते हैं। पहले एक असूल भी यही होता था, वाशरूम मस्जिद से हमेशा साइड पे होता है। ये हमारे यहाँ पता नहीं फिर अजीब कल्चर है कि वाशरूम मस्जिद के अंदर ही होते हैं। खैर, अब जुमा हो रहा है या खुतबा हो रहा है, लेकिन लोग दुआ पढ़ रहे हैं, मस्जिद फुल है। अब वहाँ अंदर जगह नहीं है क्योंकि लोग ये देख रहे हैं, बाहर भी बैठे। और ये आप पुलिस देख रहे हैं, हमारी डॉल्फिन पुलिस भी इन्हीं से इम्प्रेस होकर शायद बनाई गई है। ठीक है जी, खैर हम वजू करके फिर भी कोशिश करते हैं जगह मिल जाए, और उसके बाद अंदर से आपको मस्जिद दिखाएँगे, उस तरफ मस्जिद है। जी व्यूअर, तो मैंने बाहर ही ठहर के यहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ी है, पीछे मस्जिद की सारे ही यहाँ लोग थे, टूरिस्ट भी बहुत हैं, नॉन मुस्लिम भी बहुत हैं और मुस्लिम भी हैं, पूरी दुनिया से ही आलमोस्ट यहाँ लोग आए हुए हैं। तो सारे लोग और लेडीज़ अलग पढ़ रहे थे, जेंट्स भी पढ़ रहे थे। हमने भी बाहर ठहर के मस्जिद से बाहर नीचे फर्श पर नमाज़ पढ़ी है। तो अभी अंदर रश है, अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि नमाज ही, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। मैंने कहा यहाँ थोड़ी फ़ोटोग्राफी कर लेते, फिर जैसे ही मौका मिलता है हम अंदर जाते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। जी जी, हम सैन में आ गए हैं फाइनली। दिस इज़ द फर्स्ट ऑटोमन मस्जिद, ठीक है जी, इन बुर्सा। ये आप देख रहे हैं 1399, और आप मस्जिद तरफ लाइए जी जी जी। ये 18 डोम है इस मस्जिद के जी, टोटल 18 डोम्स हैं इसके। और आप फानूस देखें, आप कैलीग्राफी देखें, जो कैलीग्राफी है अमेजिंग अमेजिंग। जी व्यूअर, तो मैं द ग्रैंड मॉस्क के अंदर आ चुका हूँ, पहली जो ऑटोमन मस्जिद थी, ठीक है जी, 600 साल पुरानी है ये, बुर्सा के शहर में बनी थी, क्योंकि बुर्सा ही पहला शहर था, उनका कैपिटल था, ठीक है जी, उस्मान गादी जिसके पहले खलीफा थे, जहाँ मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया हम गए थे। और आप मस्जिद देखें, इसका आप आर्किटेक्ट देखें, मतलब मेसमराइजिंग है आपको, ठीक है ना जी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, कमाल मस्जिद है। 18 इसके गुंबद हैं, इसकी आप कैलीग्राफी देखेंगे, बहुत ही प्यारी है ये कैलीग्राफी। ठीक है, ये मेरे पीछे वो है मेंबर है, ठीक है, वो देखिए और आप देख सकते हैं। और ये आपने देखा था फाउंटेन था, तो आप इसको मस्जिद को देखिए कैसी लगी है, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ ज़रूर आए, मस्त विजिट प्लेस है, हिस्टोरिकल भी है और
मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हैं तो आप जगह पे हैं, आप वैसे ही देखें, इसका आर्किटेक्ट देखें, एक पूरी हिस्ट्री है इस मस्जिद में, ठीक है जी। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। आई फिफ्ट जी व्यूअर्स, तो ये हमारे गाइड हैं, हमारे टूर में हमारे साथ थे, तो ये यहाँ तुर्कीशी हैं, ये हमें गाइड करेंगे अबाउट द मस्जिद, ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएंगे जी सर। So hello to guys, hello to from Turkey to Pakistan. So now I'm going to tell you to Ulu Cami, Grand Mosque in English, also we say Holy Mosque, which was made from Ottoman Empire term, and also we can say that the biggest one, which is built from Ottoman Empire 1396 started, 1399 it finished in 3 years. So when Yıldırım Beyazıt, Sultan Yıldırım Beyazıt went to Negbolu war, he said, if I pass war, if I win this war, when I come back to Bursa, I will build 20 mosques in Bursa. He won the war, he came here, but he didn't have enough money, so he went to the philosopher, Islam philosopher Emir Sultan. He explained the situation to Emir Sultan. Emir Sultan said him, you can build one mosque which has 20 domes. So when you see inside of the dome, you are going to see inside there are 20 domes. So one of the dome has not normal from stone, it is from glass. So there you can see inside also there are 4 doors. When you open the doors from the mirror, from the glass dome, there is a small hole. During Ottoman Empire time, when they fired candles from the window, the smoke goes outside from the glass. Yeah, from the hole. There is a small hole. So from the small hole, the smoky goes outside, and there is no any smoky on the walls. Also, they use this smokies for fan. Right. Oh, you can ask me questions. Any? You have any questions, sir? So, which sultan who built this? Yıldırım Beyazıt. Four sultan. Bayezid Yıldırım. Yeah, right, Bayezid right. Yıldırım. He built that. He built. Right. It was fourth sultan. Fourth sultan. And it is the first Ottoman masjid. For as capital, when we think, it is the first biggest one. Biggest. The biggest official. Yes. Right. Because you know, when they conquered here, they used here as a capital, first capital. Right. Second capital was in Edirne, and then they moved it Istanbul. And then Republic of Turkey fields. जी व्यूअर्स, तो आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, हमारे टूर गाइड थे, इनसे आपने, तो बायजीद यिल्दिरम ने ये मस्जिद जो चौथे सुल्तान थे उन्होंने बनाई थी, 1396 में स्टार्ट हुई और 1919 साल में ये बन गई थी। तो 20 गुंबद है इसके, मैं अंदर गलत बोल गया था, 18, तो 20 टोटल इसके डोम्स हैं अंदर, और बाकी आपने सुना है उन्होंने जो डिटेल बताई है उसका, आर्किटेक्ट उसका, वो जो कैंडल सिस्टम, उसका स्मोक सिस्टम, वो उन्होंने सारा आपको डिटेल बताई है। तो ये थी जी मस्जिद, शानदार एक मस्जिद थी, देखने के लायक है, या बुर्सा में आप आएँ तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। तो अब हम जा रहे हैं ऑटोमन ट्री पे जाएंगे, वो देखेंगे जो ऑटोमन ट्री उन्होंने लगाया था जी। ये जी हमारे हर टूर पे अंकल साथ होते हैं जी, सैफुल्ला रिया साहब, बहुत ही जोली अंकल हैं। इनके बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे जैसे जवानों के साथ जवान होते हैं, बच्चों के साथ बच्चे होते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग होते हैं, ऑल राउंडर हैं ये जी। कितने का? 5 लीरा, 4 लीरा, 4 लीरा। देखिए हैं जी आपने इनसे कैसे बार्गेनिंग की है, पाकिस्तानी बोल के वो 2 लीरा बोल रहे थे, इन्होंने कहा जी 1 लीरा। ओके 1 लीरा, 1 लीरा, 1 लीरा, 4, 5, ओके 5 रेंज।
ये मेरे मैं पहले भी जवेद चौधरी साहब के साथ तीन टूर कर चुका हूँ, ये हर टूर में साथ होते हैं, इस दफ़ा भी हमारे साथ हैं। इवन तो ये तुर्की काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन का। तो अब हम ऑटोमन ट्री देखेंगे जी, वहाँ जाते हैं जो फर्स्ट ऑटोमन ट्री जो उन्होंने लगाए थे, वहाँ चलते हैं और लंच भी करते हैं और फिर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन आगे देते हैं। अभी भी वीडियो में बहुत इंटरेस्ट है, आप देखते रहिएगा ये वीडियो। जी व्यूअर्स, तो हम लंच करने रेस्टोरेंट पे आ गए हैं और ये मेरे साथ साकिब भाई हैं, ये कराची से बिलोंग करते हैं जी। इनका यूट्यूब चैनल भी है पबजी का, पबजी के शौकीन हैं तो ये पबजी के टॉक टू एंड 007। ठीक है, ये इनके चैनल का नाम है। और टूर आप इंजॉय करें जी साकिब भाई जी। बेहतरीन, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब भूख लग रही है जी, लंच इंजॉय। बहुत अच्छा लगा आपने ये काम शुरू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है वो तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आ रहा है। इंशाल्लाह फिर आप मजीद गप करते हैं, आपके साथ मजीद गपशप रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू जी। व्यूअर्स, तो ये हम आ गए हैं, माउंटेन टॉप है ये, बिल्कुल लश ग्रीन थी, आप देख रहे हैं जैसे कश्मीर में आ गए हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है। तो बहुत प्यारा व्यू है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ हम लंच करेंगे। तो आपने व्यूज़ देखे हैं, बहुत ही प्यारी जगह इनकाया बुरसा में। अगर आप बुरसा में आएँ तो यहाँ लंच करने ज़रूर आएँ। और फिर ऑटोमन ट्री भी यहाँ साथ है, वो भी हम देखेंगे। अभी बहुत भूख लगी क्योंकि नाश्ता सुबह 7 बजे किया हुआ है और अब तकरीबन 3 बजते हैं। तो अब आप ये हमारी मील इंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये अभी फर्स्ट कोर्स आया हुआ है, ये देख रहे हैं जी, रहता है इसे क्या कहते हैं जी, ये नाम सालसा, सॉरी ये सालसा है जी। ये सैलड है एज यूजुअल एंड चिप्स एंड दिस इज समथिंग स्वीट। और बस फिर नो वन थ्री। ये हमारा ये आ गया, ये पहला कोर्स है। तो मैं अपना जी रबड़ लंच करता हूँ, बाद में आपको फिर मजीद आगे दिखाते हैं। अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। पाकिस्तान, ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तानी को देख के ये किस तरह से खुश होते हैं। इसका फैलाओ देखिए, चनार का ये दरख्त है, इसको स्पोर्ट इवन के ये की हुई है, इतना ये फैल गया देखिए। और उसका जो बेटा और खान जैसे इस शहर को फतह किया था, तो उनका घोड़ा इस जगह आकर रुका इस दरख्त के नीचे। उस वक्त भी ये बड़ा घना दरख्त था, तो इस दरख्त के नीचे उस्मान गाजी को उसने, उसके बेटे ने और खान ने उसके घोड़े से उतारा। उतारने के बाद इसके तने के साथ उनकी टेक लगा के, तो उस पर उसने अपने वालिद का हाथ चूमा और हाथ चूमने के बाद उसने कहा कि आज से हम एक सल्तनत की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया होगा आपके नाम पर। तो उसके बाद उसने अपने फौजियों, अपने जनरलों से कहा कि तुम लोग भी इनके हाथ में बैत करो, इनका हाथ चूमो, ताकि आज के बाद ये सुल्तान है। तो यहाँ पे फिर इस सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई इस दरख्त के नीचे। 800 साल पुराना दरख्त है ये, लेकिन उससे भी पहले का दरख्त हो सकता है ये। अर्तुगल का जो ड्रामा सीरीज़ है उसमें आपने देखा होगा कि अर्तुगल एक जगह पर चनार का दरख्त लगाता है और साथ इब्ने अरबी खड़े होकर दुआ करता है उसके लिए, वो इसकी सिम्बोलिकली उसकी निशानदेही की गई है। लेकिन ये दरख्त अर्तुगल ने नहीं लगाया था, ये इससे पहले लगा हुआ था और उस्मान गाजी ने जब ये बुरसा फतह किया तो इसके पीछे बैकग्राउंड उसकी है कि उसका घोड़ा इसके नीचे आके खड़ा हुआ था, यहीं उतर के तो यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। जी व्यूअर्स, तो आपने जवेद चौधरी साहब से इन्फॉर्मेशन सुनी है, दरख्त की। अब मेरे साथ हमारे गाइड भी हैं। सर, योर नेम प्लीज़।
ज़फ़र उज़्ज़ान। हाँ ज़फ़र, तो ये आप मुझे इस दरख्त के बारे में बताएंगे, सो प्लीज टेल अस अबाउट दिस ट्री। द नेम ऑफ द विलेज इज इनखाया, सो द नेम्स ऑफ द ट्री इज इनखाया चुनारग। So in English, when we translate it in English, it is a plane tree. Right. So this tree almost 610 years old. Right. So also this tree comes from Ottoman Empire term. So this is one of the oldest tree which is in Turkey. Right, right. I think you must see here. Yeah. तो आपने इनका सुना, ये कह रहे हैं दी ओल्डेस्ट ट्री है और ऑटोमन हिस्ट्री से इससे रिलेटेड है। जो चौधरी साहब ने इसकी मज़ीद डिटेल आपको आसान लफ्ज़ों में समझाई थी, इन्होंने भी बताया है, तो वही बात कर रहे हैं ये कि जो चौधरी साहब ने 800 साल ये पुराना है। तो उस्मान गादी और गादी जब यहाँ बैठे थे तो उस्मान गादी टेक लगा के बैठे थे, तो वहीं उन्होंने यहाँ इसका ऐलान किया था। तो आपने डिटेल सुनी है जी इनकी, ये है वो जॉइंट दरख्त, ये है वो खूबसूरत दरख्त जी जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और जहाँ उन्होंने कहा था कि हम आज से सुल्तान होंगे, अपनी एक ऑटोमन अम्पायर का ऐलान किया था। ये वो दरख्त है जी, बहुत ही खूबसूरत और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मेरी आज की ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है, जो मेरा ये बुरसा टूर था हमारा। बुरसा में आपने जो जो चीज़ें देखी हैं, तो मतलब बुरसा एक ऐसा सिटी है कि टूरिस्ट यहाँ कम आते हैं बनिस्बत टर्की के जो दूसरे सिटीज़ हैं, अंतालिया, इस्तंबुल, कोनिया वगैरह लोग जाते हैं, यहाँ कम आते हैं। तो बुरसा इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस सर, मतलब आपने देखा है यहाँ पे, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, आज की वीडियो में भी देखा है, खूबसूरत भी है, हिस्टोरिकल भी है, आपको डाइवर्सिटी भी नज़र आती है कल्चर में, मतलब बहुत ही अच्छा एक शहर है और मौसम भी अच्छा है। तो आप तुर्की आएँ तो बुरसा इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस, ठीक है जी। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि अब हम यहाँ से बुरसा का ये ख़त्म हो चुका है टूर और अब मैं यहाँ से इस्तंबुल जाएँगे, तो कल से हम इस्तंबुल विज़िट करेंगे, वहाँ की मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो ये था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद नहीं भी आई तो भी ज़रूर कीजिएगा, कोशिश थी मेरी, गलतियाँ काफ़ी होंगी, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।